हैं पूरे कश्मीर में, पूरी वादी कश्मीर में। उसके साथ साथ हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी बीरवा में भी इलेक्शंस का सिलसिला जो है वो चल रहा है। इस महीने की 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, सेकंड फेज के लिए, जिसमें हमारी बीरवा कॉन्स्टिट्यूएंसी भी आती है। इस सिलसिले में यहाँ बीरवा कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगर हम पूरे हिंदुस्तान की बात करें, हमारे मुल्क पूरे इंडिया में जो हॉटेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उन हॉटेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमारा बीरवा जो है वो भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है, जिसमें तमाम तर सियासी जो ये रुझान रखते हैं, सियासी बेदारी लोग रखते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो निगाह रखते हैं, वो नज़र रखते हैं। उस सिलसिले में हमारी यहाँ कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुई है, उन पर हम बात करना चाहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि यहाँ हमारे जो पाबंद सलासल मजहबी रहनुमा सरजान बरकाती साहब हैं, उन्होंने यहाँ पे अपने कागजाती नामजदगी दायर किए हैं। वो हमारी बीरवा कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि वो लड़ रहे हैं। उनकी बेटी सुगरा बरकाती, जो हमारी छोटी बहन है, वो उनकी कंपेनिंग हमारी बीरवा कॉन्स्टिट्यूएंसी के गाँव गाँव घर घर जाके कर रही हैं। तो इस सिलसिले में हम पहली बात मैं ये करना चाहता हूँ कि जो सुगरा बरकाती जी हैं, पाबंद सलासल सरजान बरकाती साहब की बेटी, वो हमारी बहन है, हमारी छोटी बहन है। हम उनके दुख, उनके दर्द और उनके मुश्किलात समझते हैं, उन्हें महसूस करते हैं, उनको हम पूरी तरह से समझते हैं। हम उनके उस दुख में, हम उनके उस दर्द में, हम उनके उस एहसासात और जज्बात में शामिल हैं, उनके साथ हैं। जो उनके पाबंद सलासल दोनों वालिदैन हैं, बल्कि एक ही उनका वालिद ही नहीं है, बल्कि उनकी माँ भी पाबंद सलासल है, कैदो पाबंद है। तो वही बेटे जो है या वही बेटी जो है उसका दर्द समझ सकती है, जिनके दोनों वालिदैन कैद में हैं, पाबंद सलासल है, वो दर्द वही समझ सकता है कि एक साल दो साल अगर वो जेल में रहे, उनके बिना ज़िंदगी गुजारना, और वो भी नाबालिग बच्चों का, ये दुख दर्द हर कोई समझ सकता है, ये दुख दर्द हर किसी को समझना चाहिए, पहली बात। लेकिन दूसरा पहलू इसका यह है कि अब इसके नाम पे इलेक्शन लड़ना, अब इसके नाम पे वोट बटोरना और अब इसके नाम पे वोट डिवीजन करना, ये एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली सुगरा बरकती जी है, उनको मैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यूनिट बीरवा की तरफ से खास तौर से मैं उन्हें आपके माध्यम से, आप तमाम जो हजरात यहाँ पे, आपकी पूरी जो चैनल्स हैं, आपके माध्यम से ये ऐलान करता हूँ आपके सामने कि हम उनको लीगल, मॉरल और फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। उन्हें जो भी चीज़ें चाहिए, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, उन्हें लीगल सपोर्ट चाहिए, उन्हें किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाने की ज़रूरत है, किसी एजेंसी के पास ज़रूरत है, लीगली थ्रू लीगल चैनल्स जाने की ज़रूरत है, कोई एप्लीकेशन करने की ज़रूरत है, वहाँ पे उसको फाइनेंस नहीं है, तो उसके लिए हम उनके शाना बशाना खड़े हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। जो पाबंद सलासल बंदा होता है, वो चाहे किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड का हो या अपोलिटिकल बैकग्राउंड हो, उस पे जो भी चार्जेस हैं वो कोर्ट को देखना है, वो इलेक्टोरेट डिसाइड नहीं करेगा, वो हमारे वोटर्स डिसाइड नहीं करेंगे, वो हमारी पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड नहीं करेगी। ये बात हमारे वोटर्स को समझनी चाहिए। एग्जाम्पल हमारे इंजीनियर साहब की, इंजीनियर रशीद साहब की, अवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर रशीद साहब, वो भी पाबंद सलासल थे, हम भी जज्बात में आ गए, हमने भी आंसू बहाए, उनके बच्चे जो है हमारे पास आ गए वोट मांगने, हमने वोट दे दिए, हमने सपोर्ट कर दिया। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद उन्हें ना पार्लियामेंट ने छोड़ा, ना किसी रियासत की असेंबली ने छोड़ा, ना गवर्नर ने यहाँ से कोई ऑर्डर पास किया, ना उनके वोटों के बिना पे, अगरचे उन्होंने काफ़ी मकदार में, लाखों की तादाद में उन्होंने वोट लिए, एक्स चीफ मिनिस्टर को उन्होंने लाखों की तादाद में वोटों से हराया, उसके बावजूद भी गवर्नर के ऑर्डर से, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के ऑर्डर से वो नहीं छूटे, बल्कि वो कोर्ट में इंटरिम बेल पे है, इंटरिम बेल से वो छूटे, यानी कि उन्होंने लीगल टीम चुनी, अच्छे से उनकी जो ये बेल एप्लीकेशन है वो वहाँ पर चली कोर्ट में, और उन्हें इंटरिम बेल मिली, रेगुलर बेल के लिए भी वो लड़ रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि फिर हमारे उन वोटर्स के साथ कैसा इस्तेसाल हुआ, वो अब सियासत चमकाने लगे, वो अब उनके जो वालिद सरजान बरकाती साहब है, हमें उनका दिल से एहतराम है, वो मजहबी रहनुमा रह चुके हैं। तो उस सिलसिले में अगर वो घर घर जाती है, वो डेवलपमेंट की बात नहीं करती है, वो दीगर कैदियों की बात नहीं करती है, वो सिर्फ कहती है कि मुझे बाबा को छोड़ना है, अगर वो मजलूम है मेरे बाबा, तो इस तरह से अगर मजलूमियत जो है वो वोटर्स के हाथ में अगर चाबी होती तो हम तैयार होते, लेकिन ये
वोटर्स के पास नहीं है, बल्कि हमें देखना है कि ये इलेक्शन जो है हम डेवलपमेंट पे लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो बीरवा जिसके साथ सियासी इस्तेसाल हुआ है, जिसके साथ जिसको डेवलपमेंटली ऑर्फन रखा गया है, जिसको डेवलपमेंटली यतीम रखा गया है, हम इसको डेवलपमेंटली अपलिफ्ट करना चाहते हैं, हम इसको डेवलपमेंटल देखना चाहते हैं, हम इसकी तरक्की देखना चाहते हैं। अब रही फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ कि हम इस माध्यम से मैं आपको गुजारिश करना चाहूँगा, अपनी बहन सुगरा बरकती को मैं इस माध्यम से ऐलानियन बोलना चाहता हूँ, वो हमारे पास आए, उनको जो भी वो कहती है कि मैं मजलूम हूँ, मेरे पास कोई सहारा नहीं है, हम उन्हें फाइनेंशियल सहारा देना चाहते हैं, हम उन्हें लीगल सहारा देंगे, वो जो भी लीगल टीम चूज करेगी, जिस भी लॉयर टॉप मोस्ट क्रिमिनल लॉयर को वो चूज करेगी हमारे श्रीनगर हाई कोर्ट से, हमारे श्रीनगर के किसी भी कोर्ट से, हमारे वादी में वो जो भी लॉयर चूज करना चाहेंगी, उस लॉयर को वो हमारा सिर्फ वो उस लॉयर का हमें सिर्फ नाम बता दे, वो हम लॉयर जो है हम खुद उसको अडॉप्ट करेंगे, हम खुद उसका जो है फाइनेंस बर्दाश्त करेंगे, वो चीज़ें सब करके हम कोर्ट में उनका जो केस है वो फ्री ऑफ कास्ट अपने बलबूते पे लड़ेंगे। इस माध्यम से मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ। अब रही बात इन चीज़ों की वोटर्स की, फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि वोटर्स हमारे जो है वो जीहस हैं, वो इन जज्बात में ना आए, वो इन आंसुओं में ना आए। और दूसरी अहम बात ये है कि अब जो ये हमारी बहन सुगरा बरकाती जी है, उन्हें पता नहीं है कि उन्हें कौन कौन सी पार्टी इस्तेमाल कर रही है अपने सियासी मफादात के लिए। उन्होंने अब जो ऑफिस है वो कान्हामा में लिया है, माजामा में लिया है, जहाँ पे रेसिडेंस है हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट डॉक्टर शफी अहमद वानी साहब की। तो सुनने में आया है कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बैक कर रही है, जो अपनी पार्टी है उनके साथ जो भी बंदा चल रहा है, मैं ऐलानियन बोलता हूँ कि वो अपनी पार्टी के हैं, वो अपनी पार्टी के बंदे हैं, उनके साथ बंदे हैं जिन्होंने DDC इलेक्शन अपनी पार्टी के टिकट पे लड़े, उनके अवामी जो अपनी पार्टी है उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज उनको बैक कर रहे हैं, अपनी पार्टी के जो के साथ जो चलते हैं वो उनके साथ भी चलते हैं।